शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ दुर्गा, हमने उर्वशी की सच्चाई को सबके सामने लाने का वादा किया था, तो अब वक्त आ गया है उस वादे को निभाने का। इसलिए हम यहाँ उस कबीले वाले औरत की घर आए हैं, उसकी बेटी से पूछताछ करेंगे और उर्वशी के खिलाफ सबूत भी जुटाएंगे। लेकिन जो भी करो सावधान रहकर करना। हाँ दुर्गा, ठीक है, हम रखते हैं। कोई है? बेटा, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। ये औरत तुम्हारी माँ है? बेटा शांत हो जाओ। हमें पुलिस ने बताया कि तुमने अपनी माँ के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाई है। वो लापता कब हुई और तुमने उन्हें आखिरी बार कहाँ जाते हुए देखा था? यही कोई डेढ़ महीने पहले उनसे एक औरत मिलने आई थी और माँ को वो लेकर चली गई। उसने माँ को घर आने के लिए कहा था, बस वहाँ जाने के बाद से माँ की कोई खबर नहीं मिली। मतलब मेरा शक सही था, वो कंकाल की औरत नहीं है। मेरी मां नहीं रही। चुप हो जाओ, माफ करना, लेकिन तुम्हारी मां नहीं रही। दरअसल काली शक्तियों ने उनकी जान ले ली, वो काला जादू करती थी। नहीं, लेकिन बेटा हो सकता है कि कोई वजह हो जिसकी वजह से उनको ये सब करना पड़ा। मैं वो वजह ही ढूंढने यहाँ आई हूँ और हम पता लगा कर रहेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करना होगा ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके और उस इंसान को सजा जिसने तुम्हारी माँ के साथ ये सब किया है। ये क्या हो रहा है? दरवाजे के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूं? मेरे मंत्रों का भी असर नहीं। बोलो श्रेया, क्या बात है? दीदी, आपको कुछ बताना है। नहीं श्रेया, नहीं, किसी भी हालत में उस कंकाल का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। मुझे किसी भी हाल में वो कंकाल चाहिए, बस, वरना मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। गायत्री जी, मैं बाद में फोन करती हूँ। गौरव, कुछ काम था क्या? हाँ, वो हम गायत्री जी से मिलने के लिए आए थे। क्यों? उनकी माता जी की तबीयत सही नहीं थी तो कुछ पेपर्स पे उनके साइन चाहिए थे। सॉरी उर्वशी, वो कल हम रात को मार्केट गए थे चाट लेने के लिए, पर वो गायत्री जी की माता जी की तबीयत खराब होने के चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, हम
अभी जाके ले आते। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और मेरी जरूरतों से ज्यादा तुम्हें गायत्री के बारे में सोचना चाहिए। मतलब ऐसे बुरे हालात में है वो, तो और इम्पोर्टेंट पेपर्स भी है तो साइन तो करवाना चाहिए ना तुम्हें। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा, इसलिए क्योंकि गायत्री मुझे पसंद नहीं है ना, ऑल दैट ना। पूरे वक्त में तो दुश्मन का भी साथ देना चाहिए ना गौरव। काश हर कोई इंसान तुम्हारी तरह सोचता। हम गायत्री जी से मिल लेते। गायत्री से मिलने का मौका तो मैं तुम्हें दे रही हूँ गौरव। बहुत बड़ा बलिदान दे रही हूँ मैं, क्योंकि इस दान के बदले पुण्य भी तो मैं ही कमाऊंगी। जितना मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकती थी मैं कर चुकी, क्योंकि आज जो तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं, उसके बाद तुम्हारी लिमिट्स खत्म हो चुकी हैं। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि तुम रुक जाओ गहना, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारी मां का किया। इसकी ज्यादा जरूरत अब तुम्हें है काली शक्तियों से लड़ने के लिए। क्या हुआ? वो दैविक शक्ति वाला रुद्राक्ष ढूंढ रही है। लो, अंतिम दर्शन कर लो। कमॉन गहना, ये चंद रुपयों की माला लेकर तुम काली शक्तियों से बचने चली थी? नहीं, मतलब क्या लगा था तुम्हें? कोई अलादीन का चिराग है जिसे तुम रगड़ोगी, इसमें से एक जिन निकलेगा और तुम उसे जो बोलोगी वो कर देगा। नहीं गहना, ऐसा नहीं होता है। और ये सब ना काल्पनिक है, फिल्मों में होता है, कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में होता है काला जादू, और उसका नमूना मैं तुम्हें अभी दिखाती हूं। कैसा लगा लाइव मैजिक शो? मैं इंसान को कबूतर और कबूतर को इंसान बना सकती हूँ। So next time अपनी लिमिट क्रॉस करने से पहले सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर गुटरगू करती रह जाओ। How dare you? रुकना तो अब तुम्हें है, क्योंकि जहां तक तुम गिर चुकी वहां तक तो धरती की गहराई भी खत्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ
पाता लोक का रास्ता आता है। जरा संभल के उर्वशी। सिर्फ अपने फायदे की सोचने वाले लोगों की सोच घटिया और छोटी होती है। वो कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। अच्छा सोचना तो दूर, इनफैक्ट उनके दिमाग में ना अच्छे विचार आना भी बंद हो जाता है। तुमने मेरी माँ के साथ जो भी किया है उससे कई ज्यादा बुरा मैं करूंगी तुम्हारे साथ। बस एक सबूत मिलने की देरी है। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मेरे परिवार को, मेरे गौरव को और इस समाज को तुम जैसी औरत से आजाद करना। वाह वाह गहना वाह, क्या स्पीच दी है तुमने। कहां से लाओगी ये रुद्राक्ष मणियों और मोतियों की ताकत? कैसे लड़ोगी तुम तांत्रिक विद्या से? और तुम्हारी माँ को तो मैंने रास्ते से हटा दिया, तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीन ली। तुम्हें पता ही नहीं है ना, माँ माँ होती है, वो चाहे जन्म से हो या मुंह बोली। एक बार जब माँ ने आशीर्वाद दे दिया, फिर चाहे वो कहीं भी रहे, उसका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। ये चौधरी परिवार भले ही मुझे गायत्री समझता हो, लेकिन हूं तो मैं इस घर की गहना ही और हमेशा रहूंगी। अपने परिवार की, गौरव की ढाल बनकर रक्षा करूंगी। और जब तक तुम्हारे समझ में ये बात आएगी ना, तब तक तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया होगा। एक एडवाइस देती हूँ, प्लीज जाकर ना किसी आश्रम में बात कर लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। कम से कम सर पर छत तो रहेगी। तुम हमेशा रिश्ते बनाने में लगे रहे, बिना ये समझे कि रिश्ते कभी बनाए नहीं जाते, रिश्ते जोड़े जाते। मेरा रिश्ता इस परिवार से, मेरे गौरव से, दिल से जुड़ा है, जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है उर्वशी, और अब इसे टूटने से कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती गहना। जो हाल मैंने तुम्हारी दुर्गा माँ का किया है, वो हाल मैं तुम्हारा भी करूं। देखती जाओ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ की अस्थियाँ को लेकर आ रही हूँ और अंतिम संस्कार की सारी तैयारी हो चुकी है। तुम बस वहाँ से पंडित जी को लेकर घाट पर आ जाना। हाँ मैं पता तुम्हें मैसेज करती हूँ।
इस बॉक्स में तो वो औरत का कंकाल है, अगर गौरव ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गौरव, वो तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वो हॉस्पिटल वालों ने दिया, आपके कुछ साइंस चाहिए थे। दुर्गेश्वरी जी का एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बस उसी के लिए आपकी परमिशन चाहिए थी। इस ऑपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी गौरव, बस एक बार मैं इस कंकाल का अंतिम संस्कार कर दूं, फिर सब उर्वशी की काली शक्तियों से मुक्त हो जाएंगे। गायत्री जी, आप इतना मत सोचिए, दुर्गेश्वरी जी ठीक हो जाएंगी। गहना को छूते ही फिर गौरव पर मेरा वशीकरण कमजोर पड़ने लगता है। गौरव, ये हमें छूते ही तुम्हें जो दर्द होता है उसका कारण सिर्फ उर्वशी है। हम तुम्हें इस हाल में और नहीं देख सकते, बहुत जल्द हम तुम्हें इसके वशीकरण से मुक्त कर देंगे। हम खाना खाने जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। गहना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी था, लेकिन अब वो तिनका भी मेरे हाथ में है। अब बस देखते जाओ। क्या हुआ? काली शक्तियों के मंत्र काम नहीं आए? कैसे काम आएंगे? तुम ये जो कंकाल को बांधना चाहते हो ना, ये तो वो है ही नहीं। मुझे पता था, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानने लगी हूँ कि तुम गौरव को लेकर मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे। इसलिए मैंने सबसे पहले वो कंकाल को यहाँ से गायब कर दिया और उसे बदल कर रख दिया।
मेरी जरूरतों से ज्यादा तुम्हें गायत्री के बारे में सोचना चाहिए। बुरे हालात में है वो, तो साइन तो करवाना चाहिए ना तुम्हें। गहना, असली कंकाल कहाँ है? पूछ कैसे रही हो तुम मुझे? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बता दूंगी वो कंकाल कहाँ है? ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अब अगर फिर भी तुम्हें जानना हो तो एक काम करो, मेरी आत्मा को कैद कर लो ना, फिर उससे पूछ लेना तुम। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती का क्या मतलब है? मैं ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ और अब उसका अंतिम संस्कार भी करने वाली हूँ। और जैसे ही उस कंकाल का अंतिम संस्कार होगा, उसके साथ साथ तुम्हारी काली शक्तियां भी नाश हो जाएगी। चलो बेटा, अंतिम संस्कार हमें आज के आज ही करना हो। माँ को आखिरी बार देख लूं। आज रात गौरव और मेरी काली सुहाग रात है और उसके बाद गौरव की आत्मा को मैं हमेशा के लिए अपने वश में कर लूंगी। तुमने चाहे उस कंकाल को जमीन में दफनाया हो या पाताल लोक में छुपाया, मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगी, वो भी तुम्हारी काली सुहाग रात से पहले। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।